वेलकम टू साजी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं वर्ब्स। इससे पहले मैंने वर्ब्स के बारे में आपको सिखाया है। वर्ब्स कितने टाइप्स की सिखाए मैंने? दो टाइप्स के, राइट। एक ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है और दूसरा है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। उसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला जिसको हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं और दूसरा जिसको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या है और क्या इम्पोर्टेंट होता है ऑक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस में? तो गाइस हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हो तो आप यूजुअली कहते हो कि अरे यार इंग्लिश में उतना मजा नहीं, उतना फील नहीं है जितना हिंदी में है। आपके दोस्तों के साथ जब आप कॉमेडी करते हो तो आप हिंदी में करते हो बिकॉज ऑफ आपको फील आता है। इंग्लिश में आपको वैसा फील क्यों नहीं आता है? उसके पीछे का एक मेन रीजन यह है कि आप कभी उस ऑक्सिलरी वर्ब को समझ नहीं पाते कि किस तरह से उसको सेंटेंस में यूज किया जाए और उससे कुछ सेंटेंस का मतलब या फिर उसका मूड समझा जाए। तो सबसे पहला ये होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब का क्या इम्पोर्टेंट होता है इन सेंटेंस में, कि वो फील कराता है, सेंटेंस को एक मतलब देता है, बराबर है। सेकेंडली ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब को हेल्प करता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके देख लो। सो गाइस ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो दो टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, 16 ऑक्सिलरी वर्ब इसमें इंक्लूड होते हैं। हाउ मेनी? 16। वेरी गुड। सो जो भी 16 ऑक्सिलरी वर्ब है, आज हम लोग वन बाय वन सब ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में यहाँ पे जानकारी कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब बहुत ही जरूरी है और ये जो वर्ब नाम का टॉपिक है वो बहुत लेंथी और बहुत ही लंबा है। इसके लिए आपको वन बाय वन सारे कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा, जस्ट आपको फोकस करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से टाइप्स के होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। यहाँ पे दो टाइप्स मैंने बताए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में तीन टाइप्स के ऑक्सिलरीज आते हैं, हेल्पिंग वर्ब आते हैं। पहला है बी, डू एंड हैव। बी के फॉर्म है कौन कौन से है? एम इज आर, वॉज वेयर। एम इज आर प्रेजेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं और वॉज वेयर पास्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। वेरी गुड। डू के फॉर्म क्या है? डू डिड एंड डज। एंड हैव के क्या फॉर्म है? हैव हैज एंड हैड, राइट। तो देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी, बी के जो फॉर्म में आते हैं वो है एम। एम सिर्फ आई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो सेंस क्या जाता है? हु है, राइट। सो आई एम अ टीचर, मैं कौन हूँ? मैं शिक्षक हूँ। तो हु के इस्तेमाल के लिए एम को यहाँ पे रखा है, लेकिन ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट। इसको हेल्पिंग वर्ब कहना है आपको, राइट, जो बताता है कि कौन हो, तो टीचर हूँ। इसके बाद इज, इज भी प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब। He is going to village. वो गांव जा रहा है, continue process है, right? And we are Indian. हम कौन है? भारतीय है। Do को किस तरह से sentence में use किया जाता है? यहाँ पे देखो, do you know me? Do एक helping verb के तौर पर यहाँ पे आया है, लेकिन ये जो know है ये main verb है। Sentence को मतलब देने के लिए do you know me question बनाने के लिए भी do का use होता है। Where did you come from? यहाँ पे जो did है ये हमेशा past में use किया जाता है। जब हम लोग था थी थे की sentence बनाते हैं तब हमें did का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन जब भी हम लोग did को sentence में लाते हैं तो verb का first form यहाँ पे आता है। हमेशा याद रहे क्योंकि हम लोग past में V2 and V3 को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अभी verb 1 को ही sentence में रखना है, बराबर है। सो वेयर डिड यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए थे? थे का यूज किया है यहाँ पे, थे का सेंस बता रहा है यहाँ पर। ममता डज हर स्टडी बिफोर शी गोज आउट टू प्ले। खेलने जाने से पहले ममता ने उसका स्टडी किया, पढ़ाई की। तो यहाँ पे डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब से ही आया है। और दूसरे तरह से हम लोग डू का यूज करते हैं कि अब अगर हमें किसी को जोर दे के सेंटेंस बोलना है
आप हमेशा बोलते हो ना कि इंग्लिश में इतना फील नहीं है, तो डू के यूज से ही हमें इंग्लिश में फील आता है। मैं खेला, आई प्ले। लेकिन अगर सामने वालों को हमें बताना होता है कि मैं खेला, हमें जोर देना होता है, एम्फोसाइज करना होता है सेंटेंस के ऊपर, तो हम लोग क्या कहते हैं, आई डू प्ले। तो ये क्या करता है, सेंटेंस पे जोर देता है। आई सिंग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया। हम लोग सिंपली कहते हैं कि मैंने गाना गाया। लेकिन अगर आपको इसी सेंटेंस पे जोर देना होता है, मैंने गाना गाया, आई डू सिंग अ सॉन्ग, इस तरह से इसको सेंस को हम लोग बना सकते हैं डू के यूज से। पर हैव का यूज देखेंगे हम लोग। हैव का और हैज, हैव किस लिए यूज किया जाता है, आई के लिए हैव का यूज किया जाता है, वी के लिए हैव का यूज किया जाता है, दे के लिए हैव का यूज किया जाता है, यू के लिए हैव का यूज किया जाता है। लेकिन जब थर्ड पर्सन, जिसको हम लोग कहते हैं ही शी इट और कोई भी नाउन, इसको हम लोग हैज का इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट टेंस में सारे प्रोनाउंस को हम लोग हैड का यूज करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान दो गाइज कि अगर हम लोग हैव को यूज करते तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हैव का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है वो कंप्लीट हो चुकी है, तब हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। और दूसरे मतलब से हम लोग करते हैं कि कुछ तो अगर आपके पास होता है, होना, किसी के पास कुछ होना, उसको भी हम लोग हैव या हैज या हैड को यूज़ करते हैं। तो पहला सेंटेंस, आई हैव डन माई वर्क, मैंने मेरा काम किया है, कंप्लीटेड सेंटेंस है, इसके लिए हम लोगों ने हैव को यूज़ किया। सेकेंड, अगर पास्ट में आप बोलते हो कि मेरा काम पूरा हो चुका था, आई हैड डन माई वर्क, तो हैड को मैंने पास्ट के लिए यूज किया। फ्यूचर के लिए अगर आप लोग यूज करते हो तो इसमें विल हैव आता है, आई विल हैव डन माई वर्क। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से हम लोग हैव को यूज करते हैं। और दूसरे तरीके से हम हैव और हैड और हैज को अपने पास होने का सेंस बताते, मेरे पास कुछ तो है, उसके पास कुछ तो है, राइट? तो इसके लिए हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, अगर आपको किसी ने क्वेश्चन किया कि आपके पास कितने पेन हैं, तो आप उसे आंसर करते हो आई हैव टू पेन्स। आप क्या कहोगे, आई हैव टू पेन्स। अगर कोई पास्ट में पूछता है, पास्ट में बता दे कि आपके पास कितने नोटबुक थे, तो आप कहोगे आई हैड टू नोटबुक्स, बराबर है? तो इस तरह से सेंटेंस में इसका सेंस होता है पास होने का। तो भी एग्जांपल दिए है, आपके लिए दिए है, आप उसको पढ़ के ठीक से समझ के उसका जो मीनिंग है वो निकालो। सेकेंड टाइप है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें कैन, कूड, मे, माइट, शाल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, ये 10 टाइप के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं। इसमें और एक टाइप होता है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें आपको नीड, डेयर और यूज्ड टू का यूज होता है। तो देख लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या है। कैन, कैन का मतलब होता है सकना, हो सकता है, आप कहते हो ना आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, बराबर है? तो कैन फॉर पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी, एबिलिटी को आपकी क्षमता को दर्शाता है, आप में क्या क्षमता है वो कैन से हम लोग शो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, बराबर है? तो मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ। वी कैन यूज टू टॉक अबाउट व्हाट इज पॉसिबल, जो पॉसिबल चीजें हैं उसके लिए भी हम लोग कैन को यूज करते हैं। अबे कैन स्पीक सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस, अबे बहुत तरीके की भाषा सीख सकता है। इसमें क्या बताया है, इसकी पॉसिबिलिटी बताइए, एबिलिटी बताइए, बराबर है? कैन फॉर रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर, यहाँ पे ध्यान दो, कैन सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए, और जो रिक्वेस्ट किस तरह की होती है, जिसमें ऑर्डर होता है, इसलिए कैन को हम लोग यूज कर सकते हैं। कैन यू बी क्वाइट, क्या आप शांत रह सकते हो? यहाँ पर टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, बराबर है? तो ये इस वजह से हम लोग कैन को इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। तो जब भी आप कैन बोलने जाओ तो आपको कैन को पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए बोलना है, और सेंटेंस बहुत ही सिंपल होते हैं, उसका मीनिंग भी बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट होता है कुड, कुड का मतलब भी होता है सकना, पॉसिबिलिटी को हम लोग दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुड हम लोग पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। टॉक अबाउट द पास्ट पॉसिबिलिटी और एबिलिटी, कैन को जैसे हम लोग प्रेजेंट में यूज़ करेंगे सेंटेंस में, जब हम लोग वर्तमान में कोई चीज़ें बोल रहे हो तो हम लोग कैन को यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमारी कोई घटना घट चुकी हो तो हम लोग कुड को कैन के जगह पे रख सकते हैं। आई कुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं जब बच्चा था तब मैं क्रिकेट खेल सकता था, थाती थे किस लिए आता है, पास्ट में, जब कोई घटना
घट चुकी हो तो उसके बारे में हम लोग थाती थे लगाते हैं, बराबर है। यहाँ पे देखो दूसरा होता है टू मेक अ रिक्वेस्ट। अभी ये जो रिक्वेस्ट होती है, यूजुअली अगर आप किसी से बात करते हो, अगर किसी को कोई चीज़ मांगते हो, तो आपको मैं तो आपको यही सलाह करूँगा कि आप कुड का इस्तेमाल करो। और हमेशा हम लोग क्वेश्चन में किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, क्या आप मुझे एक कप ऑफ टी दे सकते हो। तो ये क्या किया है, हमने रिक्वेस्ट किया है इसमें, बराबर है। उसके बाद कुड यू प्लीज़ गिव मी सम डिटेल्स, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। और बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट होती है, जब भी आप किसी को कुछ मांगते हो तो आप कुड का ही इस्तेमाल करो, क्योंकि उससे अच्छा और बहुत पोलाइटनेस दिखता है। और प्रोफेशनल लैंग्वेज में भी कुड का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। उसके बाद टू आइडेंटिफाई अ पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर दैट इज डिपेंड्स अपॉन अ प्रेजेंट एक्शन, फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी हम लोग दिखा सकते हैं जो कि प्रेजेंट एक्शन पे डिपेंड हो, बराबर है। इफ शी प्रैक्टिस मोर शी कुड सिंग ब्यूटिफुली, कॉमा से पहले जो सेंटेंस दिया है वो है वर्तमान का, लेकिन उसका फ्यूचर के बारे में भी कहा गया है कॉमा के बाद। इफ शी प्रैक्टिस मोर, आज वो ज्यादा प्रैक्टिस करेगी, शी कुड सिंग ब्यूटिफुली, वो अच्छे से गा सकती है, बराबर है। तो ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपको अभी समझ आया होगा कि कुड का किस तरह से हम लोग सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं। अभी मे को देख लेते हैं। मे का मतलब भी होता है सकना, पॉसिबिलिटी दर्शाना होता है। लेकिन यहाँ पे जब सेंटेंस में इसको लाया जाता है तो उसका अलग अलग तरीके का मीनिंग निकलता है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वही होता है कि पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाए कि फ्यूचर में हो, बराबर है। ज्वाइन अस फॉर डिनर, वो हमें डिनर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब क्या बताया यहाँ पे, एक पॉसिबिलिटी दर्शाई है लेकिन फ्यूचर की है। डिनर के लिए मतलब डिनर रात को होता है ना, वो सेंटेंस अभी बोल रहे हैं, मतलब ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी मे के यूज से की गई है। इन फॉर्मल सिचुएशन टू एक्सप्रेस परमिशन, फॉर्मल मतलब क्या होता है, जब हम लोग स्कूल में टीचर के साथ बात करते हैं तो फॉर्मली करते हैं, कोई लॉयर जज से बात करता है तो लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर हम लोग हमारे फ्रेंड के साथ या फिर हमारे रिलेटिव्स के साथ बात करते तो हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज में करते हैं। मतलब एक दोस्ती के लैंग्वेज में भाषा होती ना, अरे यार कहाँ पे गया था, कैसा हो, ये सब हम लोग भाषा बोलते हैं, इसको इनफॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। और फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है कि हमें किसी ऑफिस में जाकर या फिर किसी स्कूल में या फिर किसी बड़े कार्यालय में जाकर हम लोग जो भाषाएं बोलते हैं उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि मे आई कम इन सर, हम लोग जो मे आई कम इन सर से बात करते हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, बराबर है। अस्त शैली, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, अभय ने शर्माते हुए पूछा, आ सकता है, पॉसिबिलिटी पूछी गई यहाँ पर। और मे का यूज़ यहाँ पे ब्लेसिंग के लिए भी होता है, आप अक्सर बर्थडे में बोलते हो ना मे गॉड ब्लेस यू डियर, तो ये जो मे गॉड ब्लेस यू डियर नाम का सेंटेंस है ना, आप उसको ब्लेसिंग कर रहे हो, राइट। आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेस करने के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक नोट दिया था, जब हम लोग फॉर्मल सिचुएशन में कुछ बातें बोलते हैं मे को रख के, तो उसके जगह पे हम लोग माइट को भी रख सकते हैं, इंटरचेंजेबल हो सकता है फॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन हम लोग सीख लेंगे माइट का इस्तेमाल, माइट जो होता है वो भी मे के तरह ही उसका यूज होता है, लेकिन इसको पास्ट में किया जाता है, जो घटना घट चुकी हो उसके जगह पे हम लोग मे के जगह पे माइट रख के उसको एक्सप्रेस कर सकते हो पास्ट में, था थी थे जो होता है ना पास्ट में उसको। ये भी एक की मीनिंग दिखाता है जिसको हम लोग कहते हैं सकना, कर सकना। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, जो बीत चुका है उसकी पॉसिबिलिटी बताने के लिए। माइट गेट पास बट आई डिडंट डू माई स्टडी, मैं पास हो सकता था लेकिन मैंने मेरा स्टडी नहीं किया था। तो ये क्या थी, पास्ट की पॉसिबिलिटी बता रही थी माइट को इस्तेमाल करके। तरीके से हो सकता है माइट का इस्तेमाल, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ऐसी प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बताना जो फ्यूचर में कनेक्ट हो। इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, ये अच्छा दिखता है लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल, मिस्टर संदीप माइट बी योर टीचर नेक्स्ट ईयर, मिस्टर संदीप आपके अगले साल के शिक्षक हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बताया है फ्यूचर की। दे माइट हैव अराइव्ड बाय नाउ, उनका अभी आना हो सकता है। इन सारे वे से हम लोग माइट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे और एक बात मैंने बताई थी कि जब हम लोग फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं ना, उसमें माइट को
और मे को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के प्लेस पे डाल के हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी ऑक्सिलरी समझ आई होगी। बाकी के जो ऑक्सिलरी है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट।